तो फ्रेंड्स, ये सारा खजाना है मेरा हेयर पैक और फेस पैक के लिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसका। तो ये साबुत मुल्तानी मिट्टी है और ये मैं बाजार में से 50 रुपये की 500 लाई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिका का एक पाउडर। रुको, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लिया है। तो देखिए, 1 या 1.5 चम्मच, आपके बाल का ग्रोथ हो उतने हिसाब से आपको लेना है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ अरीठा पाउडर। देखो, ये भी मैंने 1 चम्मच जितना लिया है। और यहाँ पर लास्ट में फेक बनाने के लिए, ये तो हो गया हमारा हेयर शैम्पू। अगर ये दोनों यूज़ करते हो ना, तो आप हेयर शैम्पू, ये हेयर शैम्पू बन जाता है आपका। और यहाँ पे मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी। और यहाँ पर मैंने ली है विटामिन ई कैप्सूल, जो 2 ली है। अगर आपके पास हो तो ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हो। पर ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ पे मैं नीम पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच जितना था तो मैंने ऐड कर दिया है। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो सर के अंदर जो खुजली आती है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। जैसे जैसे आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपके हेयर जो पतले हैं, ग्रोथ नहीं है, तो वो भी बनेगा। और खास करके सबको जो प्रॉब्लम होती है मेन हेयर फॉलिंग, वो भी रुक जाएगी। एक बार यूज़ करने से नहीं रुकेगी, इसको आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा, वीक में 1 बार या 2 बार। अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल ऐड करके इसका पेस्ट बना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने गुनगुना पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना सा पानी ऐड करके इसकी पेस्ट रेडी करनी है। एक साथ में ही ऐड करना है। और जैसे मैंने बोला कि आपकी बालों के हिसाब से लीजिए इसको, सारी इंग्रेडिएंट्स को। और ये हमारे बालों की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करता है। तो एक बार ट्राई जरूर करना, दिखे इसके अंदर झाग दिखने लगा आपको, तो एक बार जरूर ट्राई करना। और ऐसा नहीं होता है कि आपके हेयर जो ऑयली हेयर है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, तो शैम्पू का कोई मतलब नहीं रहा ना। अगर ऑयली हेयर है तो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे बाल है ना ऑयली है और मैंने 4-5 दिन से हेयर वॉश नहीं किया है। तो देखिए, हेयर पैक लगाकर टकलू बन गई हूँ मैं, बिल्कुल टकलू की तरह लग रही हूँ। तो ये हेयर पैक मैंने खुद बनाया है, मैंने कहीं पर भी देखकर नहीं बनाया, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू यूज़ करने से मेरे हेयर है ना ड्राई हो गए थे और रफली हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब शैम्पू यूज़ नहीं करना है, कुछ ऐसा यूज़ करना है कि जो मेरे बाल है वो मतलब कि अच्छा रिजल्ट मिले बालों में। तो मुझे पता है, बचपन में मम्मी है ना अरीठा से हमारा हेयर वॉश करवाती थी, तो मुझे पता है कि शैम्पू की जगह आप अरीठा यूज़ कर सकते हो। पर मुझे सिर्फ अरीठा यूज़ नहीं करना था, उसका पैक भी बनाना था। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे मिलाकर देखते हैं कि ये जो हेयर पैक है वो वर्क करता है या नहीं करता है। तो कई बार मैंने यूज़ किया, उसके बाद आपके साथ शेयर किया है। और कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐसे ऑनलाइन मंगवाती हूँ, वो प्रोडक्ट हो या फिर घर पर जो बनाते हैं हेयर पैक फेस पैक, वो खुद मैं यूज़ करती हूँ कई बार, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं देखा और चलो व्यूज़ या लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसको मैं आधा घंटा रखूंगी, फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लूंगी। और अगर आपको विश्वास ना हो तो खुद एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, होममेड है तो नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाएगा। हाँ, वीक में 2 बार जरूर यूज़ करना, वो मैं ज़रूर बोलती हूँ, ऐसा नहीं एक बार करने से कुछ हो जाएगा। तो वीक में 2 बार, या टाइम नहीं हो तो एक बार जरूर यूज़ करना। और यूज़ करके ज़रूर देखना, आप शैम्पू बालों में लगाना भूल जाओगे, वो गारंटी मैं देती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी से ऐसे ही कोई नया वीडियो लेकर, तो चलिए मिलते हैं, बाय।